अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। फाइनली रात को 12 घंटे जलील जलालत काटने के बाद अभी हम लोग काटने लगे हैं पराठा और अंडा, बिकॉज मेरी बहन ने स्पेशल बर्गर लोगों को बर्गर नाश्ते दे दिए हैं और अपने देसी भाई को देसी नाश्ता दे दिया। वो आप भी तो छोटी है ना, कहती ना मैं छोटी हूँ। कैसी हैं बहन आप? रात को तो आप मिली नहीं, मियाँ जी की टोपी पकड़ के आप बैठी हुई हैं। मैं लाइव आया, बहन कह रही है भाई आ जाए पाए खाते हैं। मुझे था मैं जाऊंगा, बहन पाए ऐसे से कर रही होगी शोर, मैंने दूर से दिखा रही होगी। तो लाली कहता है कि वो सो गई नहीं है। मैं कहा मर्जी है आपकी, पाए का वैसे प्लान हमारा डन है ना। हाँ, पाए तो डन है। अच्छा, मैं यहाँ से पाए खा के गया हूँ लाहौर। बहन का लाहौर मैसेज आ गया, भाई वो पाए कहाँ से आप लोगों ने खाए? हाँ, मैंने जिंदगी में वैसे पाए नहीं खाए, वैसे वो हमने खाने जरूर है। ये लोग तो मुझे लाली भी ना खाता पाए वगैरह, गरीब लोग। अच्छा वो क्या मंगवा रही थी आप इसके साथ? और अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, ऐसा लग रहा है कि मेरे गांव का नाम है कराची। यार बहन थैंक यू सो मच, रात को तो आपके हाथ खाना खा नहीं सका मैं, रोटियां उसने रखी और गैस खत्म और जिंदगी खराब। लेकिन कोई नहीं, अब इसको बिस्मिल्लाह करते हैं, उसके बाद आप लोगों को ड्रॉप करते हैं, फिर अगली कहानियां ऑन करते हैं। शादी के बाद इंसान नहीं रहता अलोन, हम जा रहे हैं सैलून। हाय 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 हाय, तेरी सोबत से जब से मैं लाहौर गया हूँ ना, मैं वैसे गाने लिखता हूँ, मतलब शेर व शायरी का इल्म है मुझे, बट मैं कभी इस तरह नहीं किया, मैंने सोचा ही नहीं था कि यार स्पॉन्टेनियस। लेकिन अब मैं जाके ना, हम घर में भी मैं फिर जाऊंगा ना वापस, तो एक दो हफ्ते रहेगा मेरे अंदर ये कीड़ा कि मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत लाली रहेगा मेरे अंदर। खैर नासाज हो गई है इनकी तबीयत, बट फिर भी जनाब को सैलून जाना जरूरी है। बहन बेचारी का मेरी और मेरा दोनों के ड्रेस नहीं आए, मेरा तो खैर पता नहीं जिंदगी भर का, 5:55 हो गया है मिनट, बस कोई बात नहीं आगे नहीं भी फौरन बनना। खैर अभी सीन ये है कि कितना टाइम है आपके सैलून का? 20 मिनट अभी और है और हमें 5 मिनट हो गए घर से निकले हुए। 20 मिनट गूगल में दिखा रहा है पर उसको पता नहीं कराची का ट्रैफिक। कराची के 20 मिनट मतलब कम से कम भी 35 से 40 मिनट, नहीं ऐसा नहीं है, कम से कम की बात यार 10-15 मिनट तो ऊपर ही है कराची के, ये तो फैक्ट है। लेकिन अच्छा मैं जब जब कराची आया मुझे इतनी ट्रैफिक मिली नहीं है अभी तक, मतलब बहुत ज्यादा स्टक ट्रैफिक नहीं मिली इतनी लाहौर में भी होती है। तो सीन अभी ये है कि मेरा ड्रेस भी लेना है और मेरी बहन घर में उदास बैठी हुई है बिकॉज उसका ड्रेस भी नहीं आया अभी तक, बट इन दोनों का बहन भाइयों का ड्रेस आ चुका है और इसलिए दोनों फुल प्राउड। की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी पहने प्यारे लगे। सभी में एक ही बताऊं, एक बार बता रहा हूं, मैं अपने दोस्त की शादी में जेन्युइन चड्डा टी शर्ट दो पट्टे की चप्पल पहन के बारात अटेंड करके आया हूं। यार अल्लाह की कसम मुझे भी नहीं पड़ता, तूने मेरे कपड़े देखे है ना, जो बंदा मैं कैजुअल वेयर पहनता हूँ, मैंने इसने मुझे शॉपिंग कराई अभी रिसेंटली, मैंने कहा वही पहन लूंगा, तूने मुझे कहा नहीं भाई सलवार कमीज पहन लो, कवाली है ये वो सारा। अब मैं ऐसा बंदा हूँ कि जिसके पास घर में सलवार कमीज है बहुत सारी, क्योंकि मुझे शौक है, शॉपिंग कर रही है, मुझे नहीं शौक यार, मुझे एक टी शर्ट और एक शॉर्ट्स, एक ब्लैक टी शर्ट, एक ब्लैक ट्राउजर, दो पट्टी की चप्पल, एक टोपी, जिंदगी पूरी मेरा। मुझे पता है क्या, सर्दी गर्मी मुझे शॉर्ट्स बहुत पसंद है, ऊपर हुडी छोटी पहन लो आपका पूरी सर्दियां गुजर जाती है, कहीं जाना ना पड़े, उस दुनिया बंदा इसी में सारी जिंदगी गुजार सकता है। पहुंचते सैलून को छोड़ते हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे, बहन को सैलून ड्रॉप करेंगे, फिर हम दोनों भी कहीं खजल होकर बाल चाल सेट करा के जाएंगे शफसा की शहंदी पे। शफसा की बारात तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेहंदी और बारात मिक्स है, तो शफसा की शहंदी पे जाएंगे। तो गाइस बेगमाद को सैलून छोड़ के हम लोग घर आके तैयार हो गए और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचा था कि हम लोग खुद सैलून जाके कोई हेयर स्टाइलिंग वगैरह करवाते, बट खुद ही बालों का जो भी हो सकता था कर लिया, मैं ज़्यादातर खुद ही करता हूँ, बट बाहर से ज़रा अच्छा लुक आ जाता और ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। लाली भी खुद तैयार हुआ और मैं भी खुद ही तैयार हुआ, और अभी सीन ये है कि लगने लगी है गाड़ी लगने लगी है, गाड़ी बच गई है, दरवाज़ा नहीं लगा। अब सीन ये है कि बेगम आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, आज लिटरली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि शहर जो है वो टैक्सी पे आ रही है अकेले। वो जनाब आ चुकी हैं और अभी मैंने देखा भी नहीं आज कैसी लग रही है कैसी नहीं, उधर से उतारना पड़ेगा मैम को। मैम को उतारते हैं और देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। ओए होए 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 ओए होए 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 आ जाओ भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हाल है? वो सामान उठा रहे हैं। अच्छा सामान है ना उतारना है? हां जी, उनके पैसे भी देने हैं। पैसे भी देने हैं सर? कितने पैसे हैं? पास में नहीं रखते हम मसला, मेरी बेगम को है पीछे बैठने में मसला, क्योंकि आपकी बेगम को आती है पीछे बैठने से उल्टी, ये है आपकी बहुत बड़ी गलती। नहीं बना नहीं है गलती उल्टी, यार क्या कर रहे हो यार, यार क्या सीन है यार, शागिर्द अपना मुंह बंद करे अल्लाह से।
अल्लाह से डरे यार। नाइस यार, अभी सीन किया कि हम लोग निकल गए हैं और रास्ता तय होने वाला है जल्द अज जल्द। सब लड़कियां ना अलग अलग तैयार हुई हैं, कुछ कुछ कहीं जगह पे, कुछ कुछ कहीं जगह पे, और बस लेकिन काका था मेरे ख्याल से, पता नहीं किसके साथ, बट रबीका बहन और जना बहन दोनों साथ थी और अभी दोनों लेट हैं। बट अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे हम जफसा की शहंदी पे खैरियत से पहुंच जाए और वहां जाके हम इवेंट अटेंड कर लें। दूल्हे की एंट्री भी तो होगी ना यार, हो गई कि नहीं होगी पता नहीं। खाना पैक, ये भी अच्छी बात है। सबकी शादियाँ अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजर चुकी हैं और जिनकी हो रही है अल्लाह इन सबकी भी खैरियत से गुजारे, और जिनकी हो गई है, जिनकी होने वाली है, जिनकी हो रही है, अल्लाह सबके नसीब बहुत 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 ज्यादा अच्छे करे, लड़कों के भी लड़कियों के। बाकी जाके वेन्यू पे मिलते हैं आप लोग। बंदा मुझे कहता है कि आप कराची हैं, कराची आए हम आप लोगों से मिले, जल्दी कराची आए और यहाँ पे आके लिफ्ट नहीं करवा रहे। अरे अरे कैसे हैं आप, ठीक है भाई? झूठी झूठी बातें नहीं हो रही। मुझे कह रहे थे भाई लैंड करके, किधर है किधर है, और जब लैंड करके तब लिफ्ट ही करेंगे। बस ये था कि आप आ जाएं, और एक बंदी ये था कि बस आ जाएं। नहीं नहीं मेरी तरह आ जाएं जल्दी, आंख लग गई मेरी, मतलब पता नहीं छोटा है, मैं कह रहा मेरे फॉरेन से नहीं आ रहा, वैसे आपकी तरफ भी आ रहा था। हां वो मेरे साथ, अरे टच में तो प्रॉपर हम भी थे, हम लोग टच में थे ऑन फोन, वो वाला टच नहीं चाहिए, टच चाहिए टच भाई, टच करो ये वाला टच चाहिए था ना। ये कौन सा दिल का कनेक्शन है? और बहन आप कैसी हैं? ठीक है, अच्छा ये भाई, ये मैं अच्छा, और ये बहन तो वहाँ भी टच में नहीं थी आप क्या? वहाँ पे थी ना, क्या हाल है? अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं नहीं, मैंने इनको पूछा यार, मुझे लगा इतने रिप्लाई नहीं दिया, मैसेज करके रिप्लाई नहीं। शादियों में सिर्फ शिकवे हुए हैं मेरे ख्याल से, मैं हर किसी को देख रहा हूँ, कोई किससे लगा हुआ है, कोई किससे लगा हुआ है, शिकवे ही कर रहा है। लेकिन शादियाँ खुशियों का दिन होता है, मेरे ख्याल से मिलन मिलाप होना चाहिए शिकवे के लिए। ये कोई अलग बात आ रही है, जो भी आ रहा है बहुत ज्यादा प्यार लग रही है। ये आपकी दोस्त ने ज्यादा बीमार है आपको पता है? मैंने इनको बोला था कि तबीयत ठीक हो तो आइएगा वरना मत आइए। लेकिन वो पीछे धुला दुल्हन भी था ना, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा आओ, धुला दुल्हन का आओ, नहीं तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। बट माशाल्लाह बहन आप भी बहुत अच्छी लग रही है, बहन आप भी बहुत अच्छी लग रही है, ओके थैंक यू सो मच, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। और ये तो मेरा वैसे हीरो है ना, आई लव यू, हमेशा अच्छा लगता है आप भाई, सदा बहार अच्छे लगते हैं भाई। और एक और भाई पीछे खड़े हैं, लॉट्स ऑफ लव यार, मिलते रहा करें भाई आप। सर 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 वो तो नहीं है, यहाँ है भाई। अस्सलाम वालेकुम बहन, बहुत 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 ज्यादा प्यारे लग रहे हो, ये सिर्फ ब्लॉग से नहीं हटके भी, मैंने आपकी पारी लेनी थी लेकिन मैंने कहा फिर सही, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह आप दोनों के नसीब बहुत ज्यादा अच्छे करे, और बस खुश रहो ऐसे ही, पिंक और गोल्डन टाइप चमकते रहो। मैंने कहा मेरे भाई ने बोला हमने जाना ही जाना, अलग से बोला ना यार। देखे मैं आपका भाई कहाँ खड़ा था, वेट करा था, मैं सच बोली वहाँ खड़ा होकर आपका भाई आपका वेट करा था। मैंने कहा मेरी बहन का मैं वेलकम करूँ, लेकिन ये एक शख्स ये, हेलो हेलो भाई, दी हॉरर स्टोरी, कैसे हैं? इन्होंने ऐसी हॉरर स्टोरी लगाई है कि हॉरर हो गए हैं सब, सब हॉरर हो गए। बहन आप आए ना प्लीज, आप आए, आप आए काके, द लेट लेडी। कल सारे ब्लॉग हमने कराची आ रहे, लोग क्या कह रहे हैं, जनाब शहर को कहे जनाब को सलोन ले, उन लोगों को पता है ये तैयार नहीं होती है, शायद नहीं जाती सलोन, जाता जनाब को कहे सलोन लेके जाए, जनाब सलोन नहीं जाता। मैं क्या सही है यार। बाकी भाई जी भाई, अगली अगली पॉडकास्ट मेरे बाद तुम लोग के साथ पॉडकास्ट नहीं करूंगा यार। भाई आपको पता है आपका वेट किया मैंने लाहौर में इतना ज्यादा यार, मुझे आना था, मुझे बिल्कुल आना था, एक तो फ्लाइटें डिले हो रही, ऊपर से यहाँ पर काम भी बहुत थे, ऊपर से आप हर चीज डिले करते हैं छोटी, काके कब मिले जा रहे हम? हम आएंगे भाई, ऐसा हो सकता है लेकिन हम जल्द मिलने आ रहे हैं उससे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन काके हमारे तीन है, हेलो जी, हम तीन है और हमारे तीन ही है, ये है बहन, ये आपका है, हम लोग तीन है, हमारे तीन काफी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सर आपका नाम ही सुन रहे हैं, टाइम देते हैं प्लीज, भाई आपको ढूंढ रहे हैं, ये आपको भी हम ढूंढ रहे हैं, नहीं आपको ढूंढ रहे हैं, अच्छा ये हमें ढूंढ रहे हैं, और मैं आपको, आपकी ग्लासेस कहाँ पे है, ग्लासेस कहाँ पे है, कहाँ पे, मतलब कहाँ पे है ना, कहाँ पे आपकी, लेकिन आप उस दिन तो मिल नहीं पा रही थी, अच्छा आज तो वो वीडियो देखी है यार, भाई आपके फैन हम, नहीं
चले मिलता मैं आपको थोड़ी देर तक। बिल्लियों की लड़ाई हो गई, दो बिल्लियां लड़ पड़ी भाई। इसलिए ना मुझे शूट पसंद है ना शूट करने वाले। अरे बहन यार काके खाने पे लोग बुला रहे हैं, मेरी दो बहनें। हाय 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 हाय, ये तो नहीं बुला रहा ना, खुद खा रहा है। पीछे जा, चला जा यार, चल यार, प्लीज यार चला जा। करम भैया पसंद नहीं आ रहे यार, खाना नहीं खाने दे रहे आप। बाबा बा, चले यार कहके बाद में कराते ना, पहले खाना खाते हैं। ओ हो हो, अच्छा जी, अच्छा 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 सर, बस यही देख लेंगे, आप लोगों का कसूर है सर। अल्हम्दुलिल्लाह खाना लग गया है, बहन मेरी ने अपनी प्लेट बना ली है, भाई को पूछ नहीं रही भाई के आलू। ओए चिकन पे, चिकन पे मिर्च डाली है काली, जल्दी आओ लाली, चल 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 चल। दो आलू आए मार्केट में, आलू आलू चीकू और अभिका की तरफ से आ गए हैं। आलू आए मार्केट में, चाहिए किसी को? शराबी ओए आलू सिपा हुआ बेटा, आलू खाओ, सबसे आलू के लिए लड़ रहे हो। बुर्का चाहिए, आलू चाहिए बहन आपको? आपको चाहिए, वो बहन को आगे दे, उनको चाहिए तो फिर अपनी बीवी को दे दे, फिर मुझे दे दे। ये देखो ये होता है हम सायों का ख्याल, अगली बार रायता चुप करके इधर भेजना था। इवेंट काफी हद तक खत्म हो गया है, अब शुरू होने वाला है डांस डांस के वाली वाली। बेगम क्या हुआ, थक गया? होस्ट वगैरह सामने खड़े हो गए और दूल्हा दुल्हन वहाँ बैठ गए और हम लोग यहाँ बैठ गए सारे, अब देखते हैं क्या होता है। जितने लोग, तो किसने प्रपोज किया था, मतलब किसने पहल की थी, कोई तीसरा था क्या? इनकी मम्मा ने। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। नहीं बेटा, मम्मा ने होशियारी दिखाई है, बच्ची कच्ची तोड़ ली है, उनका रोप चलेगा। चलो अल्लाह पाक खुश रखे तुम दोनों को। डांस वांस रुक गया अभी थोड़ा सा, शराबील की रुकते चल रही है और उधर हमारा जो लड़का रॉक स्टार रेडी हो रहा है भाई, लड़का कोई सरप्राइज रेडी कर रहा है अपनी दुल्हन के लिए, दुल्हन इंतजार कर रही है। ठीक है आप पक्का? ठीक है। ये कंफर्म आपका? इसका एनआईसी पे दिखाया माशाल्लाह, क्या नाम है इसका? क्या नाम है बेटा? इधर आओ। हुसैन हुसैन नाम क्या? हुसैन ले भाई, हुसैन साहब भी आ जा गए डांस करने। छुपके छुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। ओए चिट्ठियां क्यों नहीं लिखी? कुछ कहना था शायद उसको। थैंक यू गाइज, जा रहे हैं आप लोग ने हमें कहना? आप जा रहे हैं? हम जा रहे हैं यार, तबीयत खराब हो गई है बेगम की। कुछ भी हो एक कॉल करना बस आप। आई लव यू। वली में मिलते हैं, आपको पता है तबीयत ना खराब होती तो आपके पास ही थे, लेकिन कोई भी काम हो कुछ भी। आई लव यू, थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखे बहन, आप भी ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। आप लोग दो दिन फ्री हैं तो मुलाकात का प्लान कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाय हाय हाय, अंदर कवाली शुरू हुई और काके की तबीयत खराब होने की वजह से हमें निकलना पड़ा। लेकिन हम लोग गाड़ी पर नहीं जा रहे, हम इस पर जा रहे हैं। ये आ गई है, रुक सर इस पे होगी भाई? जी भाई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनके नसीब बहुत ज्यादा अच्छा करे। इसी में इन लोगों ने जाना है। हाँ गाड़ी कौन सी सजाई है? अच्छा पता नहीं है, देखें ये दो खूबसूरत लोग आएंगे तो ही हम निकल पाएंगे। ले जा यार, नहीं तो मैंने करवा ली थी उबर। सर यार ये मेरे पर वो कुछ करना नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा आपको मिल लिया जाए, वैसे तो मिल लिया लेकिन इसके थ्रू भी मिल लिया जाए। सर सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे सर आपका मिलने का शुक्रिया, बहुत सारा दुआएं आपके लिए हम सब की तरफ से, पूरे सब्सक्राइबर टीम की तरफ से। सर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जल्द मुलाकात करते हैं सर। सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, सैर की तबीयत खराब हो गई थी और आपको पता है कवाली शुरू हुई है, थोड़ी सी कवाली सुनी है उसके बाद घर आ गए हम लोग। और आके हम लोगों ने चेंज वेंज किया है, चाय पिए और ज़ारेब चले गए हैं सोने, और सहमी भी आ गए हैं सोने। तो ज़िंदगी में एक ही काम होता है, हर काम करने के बाद सोना। हम लोग भी सोने लगे हैं, आप लोग भी व्लॉग देखने के बाद
सब्सक्राइब करें सोए नहीं, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को नए ब्लॉग की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।